अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद एपीके। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि आपको इन तीनों बाइक्स में से कौन सा बाइक परचेस करना चाहिए, यामाहा वाईबीआर, वाईबी 125Z ETX एंड यामाहा वाईबीआर 125G। यामाहा वाईबीआर और वाईबीआर जी के कंपैरिजन के अंदर बहुत से लोगों के सवाल आते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सा बाइक परचेस करें। उसके अलावा कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि आप हमें बताएं कि हमारा बजट इतना है और इतने में हम इन तीनों में से कौन सा बाइक परचेस करें। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको इन तीनों में से अपनी ज़रूरत के मुताबिक कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको यामाहा वाईबीआर और वाईबीआर जी के दरमियान कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। बहुत से लोगों के यही सवाल होते हैं, तो आज हम सबसे पहले इसी के बारे में बात करेंगे, फिर बाद में हम वाईबीजी डी एक्स को ऐड करेंगे इसके अंदर। तो यामाहा वाईबीआर और वाईबीआर जी के दरमियान जो डिफरेंस है, सबसे पहले तो उसको जान लेते हैं। अगर आप डिफरेंस देखें, जो आपको सबसे पहले मेन चीज़ नज़र आती है वो है लुक्स। दोनों के लुक्स एक दूसरे से काफ़ी चेंज हैं। अगर आप हेडलाइट पर गौर करें तो यामाहा वाईबीआर जी की जो हेडलाइट है वो है गोल शेप वाली, जबकि जो सिंपल वाईबीआर है उसकी हेडलाइट है आपको स्पोर्टेड शेप वाली, उसकी हेडलाइट मिल रही है। उसके अलावा अगर आप डिफरेंस की बात करें, तो अगर आप फ्रंट टायर पर गौर करें तो यामाहा वाईबीआर का जो फ्रंट टायर है वो है 2.75 का फ्रंट टायर, और अगर आप यामाहा वाईबीआर जी के टायर पर गौर करें तो यामाहा वाईबीआर जी का जो टायर है ये है 300 का टायर, और टायर के साइज़ में भी डिफरेंस है। उसके अलावा जो टायर का फंक्शन है वो भी डिफरेंट है। आप दोनों की ग्रिप्स देख सकते हैं कि यामाहा वाईबीआर जी के अंदर जो फ्रंट टायर लगा हुआ है वो बेसिकली कुछ ऑफ रोडिंग के लिए यूज़ हो जाता है, लेकिन जो सिंपल वाईबीआर के अंदर टायर लगा हुआ है फ्रंट पर वो ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है। वो आप सिंपल जो रोड्स होती हैं उसके ऊपर आप यूज़ करें, ऑफ रोडिंग के लिए आप इस बाइक को ना लेके जाएं। लेकिन जो वाईबीआर जी के अंदर आपको टायर मिल रहा है वो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। उसके अलावा अगर आप शॉक्स पर गौर करेंगे तो शॉक्स का कवर आपको यामाहा वाईबीआर जी के अंदर मिल रहा है। अगर आप गौर करें तो शॉक्स का कवर जो है वो आपको यामाहा वाईबीआर जी के अंदर मिल रहा है, लेकिन यामाहा वाईबीआर जो सिंपल है उसके अंदर आपको शॉक्स का कवर देखने को नहीं मिलता। तो मेन डिफरेंसेस जो हैं वो यही हैं। उसके अलावा अगर आप फीचर्स वाइज कंपैरिजन करें तो सेम फीचर्स हैं दोनों बाइक्स के अंदर। आपको किल स्विच नहीं मिल रहा, आपको डिपर नहीं मिल रहा, बाकी ओवरऑल सब कुछ अवेलेबल है। सेल्फ स्टार्ट है दोनों बाइक्स के अंदर, आपको दोनों बाइक्स के अंदर एवरेज सेम मिल जाएगी, आपको दोनों बाइक्स के अंदर स्पीड सेम मिल जाएगी। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि जो यामाहा वाईबीआर जी है वो ज़्यादा फास्ट है, और कुछ लोग कहते हैं कि वाईबीआर ज़्यादा फास्ट है। अब इसमें जो डिफरेंस बेसिकली आता है वो है एक तो चलाने वाले का, जो राइडर है वो बाइक को किस तरह चला रहा है, उसके गियर शिफ्टिंग किस तरह की है, और इसके अलावा जो दूसरी बात आती है वो है मेंटेनेंस की, आपका बाइक किस तरह मेंटेन्ड है, क्या आप बाइक की प्रॉपरली ट्यूनिंग करते हैं, टाइमली ट्यूनिंग इसकी करवाते हैं, टाइमली इसका ऑयल चेंज, एयर फिल्टर, जो भी काम है वो आप इसका टाइमली अगर करवाते हैं तो बाइक आपका फिर फुल परफॉर्मेंस देगा। अब एग्जांपल ले लें कि वाईबीआर और वाईबीआर जी के दरमियान रेस हुई है, और वाईबीआर जी के ऊपर आप एक्सपीरियंस राइडर को बिठा दें, और वो भी जो बाइक है वाईबीआर जी वो फुली मेंटेन्ड हो, वाईबीआर भी फुली मेंटेन्ड हो लेकिन उसके ऊपर आप इनएक्सपीरियंस राइडर को बिठा दें, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा बाइक विन करेगा। जाहिर सी बात है, जो एक्सपीरियंस्ड है उसको पता है कि मैंने गियर शिफ्टिंग कब करनी है, किस तरह करनी है, तो वो ईजिली, बहुत ज़्यादा गैप ना हो लेकिन एक टायर का डिफरेंस हो जाएगा तो इस डिफरेंस से फिर वो जीत जाएगा। अब दोनों बाइक्स के इंजन जो हैं वो सेम है, दोनों का 125cc इंजन है, दोनों के अंदर बैलेंसर शाफ्ट इंस्टॉल्ड है, और दोनों सेम हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, और जो बोर एंड स्ट्रोक है वो दोनों का सेम है। तो स्पेसिफिकेशन वाइज तो दोनों बाइक्स सेम है, लेकिन ये डिफरेंस जो बेसिकली आ जाता है कि वाईबीआर जी फास्ट है या फिर वाईबीआर फास्ट है, ये डिफरेंस बेसिकली आ जाता है कि जिसका राइडर ज़्यादा अच्छा हो और जो बाइक ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हो वो बाइक हमेशा जीत जाएगा, और जिसका राइडर कमज़ोर है और वो बाइक भी प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है तो वो बाइक फिर रह जाएगा। अब डिफरेंस यही आ जाता है। बहरहाल स्पीड वाइज तो डिफरेंस मैंने आपको बता दी है, बाकी जो मेन मेन डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको दोनों बाइक्स के दरमियान बता दिए हैं। तो डिफरेंस आपने जान लिया है, अब आप बेहतर डिसीजन कर सकते हैं कि आप दोनों में से कौन सा बाइक परचेज़ करेंगे। अब हम प्राइस के डिफरेंस की भी बात कर लेते हैं कि दोनों में प्राइस का कितना डिफरेंस है और क्या ये वर्थ इट है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यामाहा वाईबीआर की प्राइस की। तो
तो यमहा वाइबियर की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है फरवरी के अंदर 2022 फरवरी के अंदर जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,11,000 रुपये, 2,11,000 रुपीज़ है इसकी प्राइस। जहाँ तक यमहा वाइबियर 125G की बात है तो यमहा वाइबियर 125G की जो लेटेस्ट प्राइस अभी चल रही है वो है 2,20,500 रुपये। तो डिफरेंस आप देख सकते हैं कि दोनों बाइक्स के दरमियान जो प्राइस का डिफरेंस है वो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें कि इस डिफरेंस के साथ आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए, मेरे ख्याल में सबसे पहले तो आप खुद डिसाइड करें, मैंने जो जो बातें आपको बताई हैं वो आप जहन में रख के डिसाइड करें कि आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप मेरे ओपिनियन की बात करें तो मेरे ख्याल में दोनों बाइक्स की अपनी एक वैल्यू है। यामाहा वाइबियर ख़रीदने वाले भी बुरे नहीं हैं, यामाहा वाइबियर जी ख़रीदने वाले भी बुरे नहीं हैं। और अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन की बात करूँ तो मेरे ख्याल में आपको यामाहा वाइबियर जी जो है वो परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि यामाहा वाइबियर जी जो है वो लुक वाइज मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है यामाहा वाइबियर सिंपल से, लुक्स का डिफरेंस है। दूसरा, आपको जो फ्रंट टायर है वो थोड़ा सा बेहतर मिल जाता है यामाहा वाइबियर जी के अंदर। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से आपको यामाहा वाइबियर जी परचेज़ करना चाहिए। और यामाहा वाइबियर अगर आप सिंपल परचेज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, पसंद पसंद की बात होती है। जिसको वाइबियर जी पसंद है वो वाइबियर जी परचेज़ कर ले, जिसको यामाहा वाइबियर पसंद है वो वाइबियर परचेज़ कर ले। अब मैंने अपना आपको ओपिनियन दे दिया। अब अगर हम यामाहा वाइबी 125G DX को ऐड करें बीच में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस की वाइबियर जी, वाइबियर और वाइबी 125G DX के दरमियान। तो वाइबियर और वाइबियर जी के बारे में तो आपको बता दिया मैंने। अगर हम वाइबी 125G DX की बात करें तो वाइबी 125G DX जो है इसको एक डिफरेंट बाइक बनाया गया है वाइबियर और वाइबियर जी से। हालांकि स्पेसिफिकेशन सेम है, आपको फीचर्स भी सेम मिल रहे हैं, आपको स्पेसिफिकेशंस भी सेम मिल रही हैं। अगर आप मीटर पे गौर करें तो मीटर चेंज है, जो डिस्प्ले है मीटर का वो चेंज है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर आपको वो सेम मिल रहे हैं। उसके अलावा लुक्स वाइज डिफरेंट है, आपको इसकी जो कैटेगरी है वो बेसिकली डिफरेंट मिल जाती है। अगर आप वाइबियर और वाइबियर जी की तरफ आएँ तो वाइबियर जी और वाइबियर ये बेसिकली फैमिली के लिए नहीं है। फैमिली बाइक जो कोई परचेज़ करना चाहता है तो वो यामाहा वाइबियर या फिर वाइबियर जी को परचेज़ ना करे, उसके लिए यामाहा वाइबी 125G DX है उसको परचेज़ कर ले। क्योंकि वाइबियर और वाइबियर जी की सीट जो है वो इस तरह बनाई गई है कि जो फैमिली है वो सही तरह इस पे नहीं बैठ सकती, लेकिन वाइबी 125G DX जो है उसकी सीट इस तरह की बनाई गई है कि फैमिली ईजिली उसके ऊपर बैठ सकती है, आप ईजिली फैमिली को लेकर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता उसके ऊपर। एवरेज आपको तीनों में सेम मिल जाएगी, इंजन आपको तीनों में सेम मिल जाएगा, आपको हॉर्स पावर तीनों में सेम मिल रही है। जो डिफरेंस है वो कैटेगरी का बेसिकली आ जाता है कि अगर आपने एक फैमिली बाइक परचेज़ करना है तो आप वाइबी 125G DX की तरफ जाएं, अगर आप एक यंगस्टर हैं तो यंगस्टर्स के लिए फिर वाइबियर और वाइबियर जी है। सो गाइस, अगर हम प्राइस की बात कर लें तो यामाहा वाइबी 125G DX की भी मैं आपको प्राइस बता देता हूँ। तो यामाहा वाइबी 125G DX की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,05,500 रुपये, 2,05,500 रुपीज़ इस बाइक की लेटेस्ट प्राइस है। अब आपको पता लग गया होगा कि तीनों में से आपको कौन सा बाइक परचेज़ करना चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।